दीदी सब्जी की खेती तो बड़ा अच्छा लगाए हुए। दीदी देखने में ही अच्छा नहीं है, इनमें अच्छे गुण भी हैं और इन्हीं का नाम है किचन गार्डन। दीदी इसमें कितना लागत लगता है और कितनी जमीन लगती है और इसका देखभाल कौन करते हैं, इसके बारे में जरा बताइए। हाँ दीदी बताएंगे। चलिए हम सब जो सब्जी लगा हुआ है, जो जो सब्जी लगाए हैं उसके बारे में हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे। किचन गार्डन जो हम लगाए हैं वो प्राकृतिक एवं जैविक विधि से लगाए हैं। अच्छा दीदी ये किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई हैं? देखिए दीदी इसमें भिंडी है, करेला है, नेनुआ है, कद्दू है, कदीमा है, बरबट्टी है, बैंगन है और सब्जी के साथ साथ फल भी लगाए हैं हम। केला है, अमरूद है, अनार है, नींबू है, सारे फल लगाए हैं यहाँ। इतना छोटा सा जगह में सब्जी भी लगाए हुए हैं और फल भी लगाए हैं, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी। हाँ हाँ देखिए दीदी हम यहाँ पर मौसम के हिसाब से सब्जी लगाते हैं, सर्दी में सर्दी का सब्जी, गर्मी में गर्मी का सब्जी और जैसे कि आजकल बरसात है तो उसके हिसाब से सब्जी अपने किचन गार्डन में। ये भिंडी है और चलिए आपको हम आगे करेला दिखाते हैं। चलिए दीदी करेला तो दीदी बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा है। दीदी ये जैविक का असर है इसलिए ये बड़ा बड़ा है और अच्छा है। देखिए दीदी ये ककड़ी है, ये तो बहुत बड़ा ककड़ी है। अच्छा दीदी ये एक छोटा सा भी ककड़ी है इसे। दीदी ये क्या चीज़ का पौधा है? दीदी ये ओल का पौधा है, इसका सब्जी बनता है, इसके मिट्टी के नीचे जो होता है सब्जी उसका बनता है और उसका चटनी भी आप बना सकते हैं और इसका जो है इसको खाने से पाचन क्रिया बहुत अच्छा। तब तो दीदी ये बहुत फायदेमंद है। हाँ दीदी देखिए दीदी ये बरबट्टी है, फूल रहा है, अब ये फल देने वाला है। बहुत अच्छा, अच्छा, दीदी, बहुत अच्छा। और दीदी एक बात और, इसको गांव में आदमी बोरा के नाम से जानते हैं। अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में दीदी। दीदी देखिए ये कद्दू है, बहुत बड़ा है दीदी कद्दू। चलिए अब हम आपको नेनुआ दिखाते हैं। देखिए दीदी ये नेनुआ है, यहाँ भी है दीदी। और क्या क्या लगा है दीदी चलिए दिखा दीजिए। अब चलिए आपको फल दिखाते हैं। चलिए दीदी ये सब्जी बहुत सारे लगाए हुए हैं, आप बताए थे प्राकृतिक और जैविक खेती के द्वारा लगाते हैं, तो प्राकृतिक और जैविक खेती क्या होता है दीदी? प्राकृतिक और जैविक खेती उस तरह से होता है कि उसमें रासायनिक खाद नहीं डालते। दीदी ये जो सब्जी है उसमें जो है ये रासायनिक खाद के बदले में हम लोग जीवामृत, घन जीवामृत और स्प्रे करते हैं ब्रह्मास्त्र और निमास्त्र।